दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों के बारे में। दुनिया के 10 अमीर देश कौन से हैं और इसमें भारत का नाम भी शामिल है, और भारत कितने नंबर पर है। दोस्तों वर्तमान समय में जो 10 सबसे अमीर देश है वो जीडीपी में लगभग 68% योगदान करते हैं। दोस्तों ये 10 अमीर देश जीडीपी के आधार पे न कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। दोस्तों ये 10 देश अमीर है इसका मतलब ये नहीं कि ये देश खुशहाल है। दोस्तों इस लिस्ट में अमेरिका यानी यूएसए पहले स्थान पर है। अमेरिका की कुल संपत्ति 64,584 अरब डॉलर है, और दोस्तों अमेरिका में सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं इसलिए वो अमेरिका को अमीर बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों इसके अलावा दुनिया की सबसे अमीर कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये सब भी अमेरिका के अंदर है। दोस्तों पूरी दुनिया में जितना भी पैसा है उसमें से 30% पैसा अमेरिका के पास है। दोस्तों दूसरे स्थान पर आता है चीन। दोस्तों चीन की कुल संपत्ति 24,803 अरब डॉलर है। दोस्तों 1947 तक भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग एक समान थी, लेकिन बीते कुछ सालों में चीन ने बहुत तरक्की की है, इसलिए दोस्तों चीन आज दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। दोस्तों चीन अपना माल बहुत ही सस्ते दामों पर बेचता है, यानी चाइना का माल मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों पर मिलता है, जिसके कारण इसने भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अच्छी पकड़ बना रखी है, और सस्ते होने के कारण चाइना का माल लोग बहुत ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है जापान। दोस्तों जापान की कुल संपत्ति 19,522 अरब डॉलर है। दोस्तों जापान टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे है, और जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे विकसित और सबसे अच्छी है। और दोस्तों जापान टेक्नोलॉजी के अलावा हथियार को बनाने में और उसको निर्यात करवाने के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन की कुल संपत्ति 9,919 अरब डॉलर है। ब्रिटेन एक छोटा देश है, इसकी जनसंख्या कम होने के कारण ये एक सक्षम देश है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। दोस्तों इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है जर्मनी। जर्मनी की कुल संपत्ति है 9,660 अरब डॉलर। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों ये एक छोटा देश है और यहाँ की जनसंख्या भी काफी कम है, लेकिन दोस्तों इस देश की प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। इस देश में बहुत ही कम गरीब लोग रहते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में छठे नंबर पर आता है हमारा देश भारत देश। दोस्तों भारत की कुल संपत्ति है 8,230 अरब डॉलर। दोस्तों भारत ने बीते कुछ सालों में बहुत ही अच्छी तरक्की की है और बहुत ही तेजी से तरक्की की है। दोस्तों जब भारत आजाद हुआ था तब भारत आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आर्थिक संकट खत्म हो गया। दोस्तों भारत में अभी भी बहुत गरीब और अशिक्षित लोग हैं, लेकिन इस देश में बहुत अमीर लोग भी हैं जो इस देश को अमीर बनाने में सहायता करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है फ्रांस। फ्रांस की कुल संपत्ति है 6,649 अरब डॉलर। दोस्तों फ्रांस एक छोटा देश है और इसकी जनसंख्या भी काफी कम है, लेकिन दोस्तों फ्रांस हथियार, बेहतर तकनीक और अन्य सेवाओं और उत्पादों सहित निर्यात के लिए जाना जाता है। दोस्तों भारत भी काफी हद तक हथियारों के लिए फ्रांस पर निर्भर है। दोस्तों इस लिस्ट में आठवें नंबर पर है कनाडा। कनाडा की कुल संपत्ति है 6,393 अरब डॉलर। दोस्तों कनाडा देश की जनसंख्या भी काफी कम है। दोस्तों कनाडा अमेरिका का पड़ोसी देश है, कनाडा की गिनती भी सबसे विकसित देशों में होती है। दोस्तों इस लिस्ट में नवे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कुल संपत्ति है 6,142 अरब डॉलर। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। दोस्तों कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया को बंजर रेगिस्तान वाला देश मानते हैं, लेकिन दोस्तों इस देश के पास खनिज का भंडार है, और दोस्तों ये देश खाद्य उत्पादन में भी काफी समृद्ध देश है। दोस्तों इस लिस्ट में दसवें स्थान पर आता है इटली। इटली की कुल संपत्ति है 4,276 अरब डॉलर। दोस्तों इटली भी एक छोटा देश है और इसकी जनसंख्या भी कम है, लेकिन दोस्तों इटली विकसित देशों में शामिल है। दोस्तों इटली में आय के अपने व्यापक स्त्रोत है, पर्यटक, कृषि और सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था आदि सभी इटली की आय को बढ़ाने में मदद करते हैं। दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि 2023 में दुनिया के सबसे अमीर 10 देश कौन से। दोस्तों भारत भी तेजी से ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है, और एक दिन वो भी इस लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी अच्छी जानकारियां यहां देखने को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।